हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। सो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं जो आप सभी को बताने वाला हूं या दिखाने वाला हूं, ये आज तक या अभी तक किसी ने ना तो बताया होगा या ना ही दिखाया होगा। सो आज के इस वीडियो में मैं बताऊँगा भी और लाइव दिखाऊँगा भी, इसीलिए आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा वीडियो उनको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि अगर आप अपनी पर्सनल आईडी से या किसी और की पर्सनल आईडी से नॉर्मल या तत्काल टिकट बुक करके सेल करते हैं तो आप आज नहीं तो कल श्योर पूरी तरह से बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। क्योंकि मैं भी एक IRCTC का ऑथराइज एजेंट था, जो कि मुझे भी RPF ने पकड़ लिया और एक धारा 143 लगा दिया। दोस्तों, मैं एक यूट्यूबर भी हूँ और मेरा एक ऑफिस भी था जहाँ पर मैं ऑनलाइन A to Z वर्क करता था। वहाँ पर मैं लोगों का तत्काल और नॉर्मल टिकट भी बुक करता था और भी बहुत काम करता था, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड और भी बहुत कुछ। लेकिन आज कहीं का मैं नहीं रहा। जब से RPF का रेट पड़ा तब से आज तक ऑफिस बंद पड़ा रहा और ऑफिस का सारा सामान RPF के पास है। हमारी सारी आईडी को RPF ने सीज कर दिया। जितनी भी टिकट बुक की हुई, मतलब जितना भी मैं टिकट बुकिंग किया था, वो सारी की सारी टिकट को कैंसिल कर दिया गया, सीज कर दिया गया। सो दोस्तों, आप लोग हमारे इस बात पे यकीन करिएगा या नहीं करिएगा, मैं आप लोगों को कुछ कोर्ट के कागजात है जो कि मतलब मुझे 143 एक्ट लगा था, तो मैं कोर्ट गया था, मुझे कोर्ट में कर दिया गया था, तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि ये आप देख के यकीन कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अब किसी और के साथ ऐसा ना हो। इसीलिए मैं आप लोगों को एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे कि आप देख पा रहे, कॉल फॉर रिपोर्ट है ये, ठीक है। जैसे कि जो हमारा वो लोग आर्टिकल्स मजिस्ट, जो हमारे लैपटॉप मोबाइल फ़ोन जो भी लेके गए थे वो लोग, तो वो हमारे एडवोकेट ने कहा था कि आपको कॉल फॉर रिपोर्ट करवाना होगा, मतलब अपना जानकारी आपको कोर्ट में देना होगा कि RPF वालों ने आपका ये वो सामान लेके गया हो, तो ये सबसे पहले मेरे को ये करवाना पड़ा, ठीक है। इसके बाद मेरे को, जैसे कि जब मेरे को लोग वहाँ पे लेके गया था, तो और भी कागजात मेरे पास में जो मैं कि आप लोगों को इस वीडियो में मैं वो दिखाऊँगा कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मिला था, मेरा सामान मिला या नहीं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है। तो जैसे कि इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोर्ट का दूसरा बिल है जिसमें आपको पूरा डिटेल्स दिया रहेगा, जैसे कि मेरे दुकान से, मतलब मेरा ऑफिस से क्या क्या लेके गया है। जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि आसूस का लैपटॉप और एक वीवो का मोबाइल फ़ोन, एक रेडमी का मोबाइल फ़ोन और 30,000 रुपया कैश और भी बहुत कुछ लेके गया गया, जो कि इसमें इशू कर दिया गया। इसके बाद से मेरे को ये वाला पेपर लेकर थाने में, मतलब जो RPF क्वार्टर है वहाँ पे मेरे को लेके जाना, वहाँ पे जमा देना होगा। और भी बहुत सारा काम करना पड़ता जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि एक डायरी है, ठीक है। इस डायरी में हमारा पूरा डिटेल्स दिया रहता, हमारा नाम, हमारा पिताजी का नाम, हमारा एड्रेस, प्लस हमको ये वाला डायरी जो है ये कोर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें आपका पूरा डिटेल्स, जैसे कि इसमें देखिए केस नंबर भी दिया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अंडर सेक्शन 143 रेलवे एक्ट इसमें डेट दिया हुआ है, केस नंबर भी हमारा इसमें शो है। सो ये वाला आपको डायरी लेके आपको RPF का हेडक्वार्टर जो होता है वहाँ पे जाके हाजिरी लगाना पड़ता है। वो लोग एक डेट पे बुलाते हैं, हर महीने आपको बुलाते हैं। इस केस से छुटकारा पाने में तकरीबन हमको 1 साल लग गया था, ठीक है। दोस्तों, जब RPF का 4-5 गाड़ी अपना खुद का पर्सनल ऑफिस में अगर रेड करता है ना, कितना बुरा लगता है वो मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कि प्लीज़ पर्सनल आईडी से या किसी और दोस्त यार का आईडी से टिकट बुकिंग करके सेल करते हैं तो आप नहीं तो आपका दोस्त किसी ना किसी दिन मुसीबत में पड़ सकता है। अगर आपको टिकट सेल ही करना है तो आप एजेंट आईडी से टिकट बुकिंग करके सेल कर सकते हैं। मैं ये वीडियो बनाता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहिए ताकि दूसरे लोग इस सिचुएशन से बच सके। जैसे मैं बहुत बुरी तरह फंस गया था, मेरा कोई मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरा सारा सामान, मेरा ऑफिस वगैरह सब कुछ सीज कर दिया गया था। सो आई होप कि आप सब समझ सकते हैं मेरी बात, नहीं तो आप आगे आप लोगों की मर्जी, अगर आप लोग बुकिंग फिर भी करना चाहते तो कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये वीडियो के द्वारा ये बताना चाहता था कि मैं बहुत हरासमेंट हुआ था, मैं बहुत दौड़ा धूपा था, मेरे को बहुत गिल्टी फील हुआ था, कोर्ट कचहरी थाने का चक्कर लगाना पड़ता था एक टिकट के लिए, ठीक है। सो आई होप कि आप हमारे बात को समझ पाए होंगे और अगर आपको हमारा यह जानकारी अच्छा लगा होगा
तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला हेल्पफुल वीडियो या हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।